डीएवी धनुपरा आरा में चरित्र निर्माण शिविर 2023 के प्रारंभिक सत्र की शुरुआत नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सर्वांग सुंदर व्यायाम सूर्य नमस्कार योगा अभ्यास के द्वारा हुई। इसके पश्चात हवन और ओम ध्वजारोहण के साथ इस शिविर का उद्घाटन हुआ। बच्चों के द्वारा विभिन्न संस्कृताचार्यों के मार्गदर्शन में यज्ञ हवन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न डीएवी विद्यालयों के प्राचार्य और प्रधानाचार्य की भी सहभागिता रही। तत्पश्चात आर्य प्रतिनिधि सभा के सचिव और डीएवी प्रकाशन विभाग के निदेशक माननीय श्री एस के शर्मा ने शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन के पश्चात कहा कि बच्चों में चरित्र निर्माण घर और विद्यालय से ही शुरू होता है। आर्य समाज में चरित्र निर्माण का महत्व विशेष रूप से समझाया गया और डीएवी विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने कहा कि मात्र ऋण और पितृ ऋण से उदृढ़ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों का होना अत्यावश्यक है। उन्होंने माँ बेटी की सुंदर लघु कथा भी सुनाई। इस अवसर पर बिहार के क्षेत्रीय पदाधिकारी एस के झा ने कहा कि डीएवी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को सुयोग्य बनाने का है। इसके लिए उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर विशेष ध्यान देना अत्यावश्यक है। इस अवसर पर बिहार जोन के सहायक क्षेत्रीय पदाधिकारी वी आनंद ने कहा कि आज के समाज को सुसंस्कृत और सभ्य बनाने के लिए विद्यार्थियों में सेवा और संस्कारी होना जरूरी है। दीप प्रज्वलन करते हुए बिहार जोन ए के क्षेत्रीय पदाधिकारी एस के झा, बिहार जोन जे के सहायक क्षेत्रीय पदाधिकारी वी आनंद गया, साथ ही सहायक क्षेत्रीय पदाधिकारी श्रीमती अंजलि, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि एस के सिन्हा, डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री और विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें स्वागत गान, वेद मंत्रों पर आधारित समूह नृत्य, माता पिता पर आधारित समूह नृत्य, समूह भजन, साथ ही सॉन्ग ध्वनि एवं भाषण आदि हुआ। चरित्र निर्माण शिविर के इस आयोजन में विभिन्न विद्यालयों के संस्कृताचार्य, संगीत शिक्षक भी भागीदारी कर रहे हैं। इस आयोजन में चिकित्सा, भोजन, आवास और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई। विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपना सहयोग दिया, साथ ही कार्यों को सुचारू रूप से किया जा रहा है। देखिए, ये 1886 में हम जाएं तो उस की परिस्थितियों में शिक्षा का जो स्वरूप था उस वक्त, दो बातें ये एहसास की गई कि विदेशी जो शासन है उसके अधीन जो शिक्षा मिल रही थी उसमें भारतीय पन जो है वो बिल्कुल नहीं था। इधर ऋषि दयानंद ने अपनी देह त्यागी थी और ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में एक मंत्र दिया था कि अगर देश की जितनी भी कुरीतियां हैं, जितने आडंबर हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितनी कमियां हैं, उनको दूर करने का अगर कोई साधन है तो शिक्षा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लाहौर में ये संस्था डीएवी के नाम से 1886 में आरंभ हुई थी। इस शिक्षा का जो कार्यक्रम बना उसमें एक तो था कि उसका शैक्षिक कार्यक्रम, सिलेबस, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा जो एक मैन मेकिंग प्रोसेस चल रही थी कि आदमी को मनुष्य बनाया जाए। आदमी तो है लेकिन मनुष्य नहीं। आप जानते हैं कि आज क्या हाल है, कितने आदमी हैं जिनको हम मनुष्य कह ही नहीं सकते, तो हर वक्त ये रहा है। ये जो दृष्टिकोण रहा उसके लिए ये ज़रूरी महसूस किया गया कि हमारे संस्थानों से निकले हुए बच्चे जो हैं वो संस्कारवान हों, देश के प्रति समर्पित हो, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो विचार हैं, जो वैदिक विचार हैं, वैदिक मान्यताएं हैं, जो राष्ट्र के अनुकूल हैं उनको समर्पित रहे। हमारे तो अभी हर मंत्र यज्ञ के बाद राष्ट्रीय प्रार्थना की जाती है कि राष्ट्र के नाम से एक प्रार्थना करो, वो प्रार्थना भी होती है। तो इस दृष्टि से ये जो प्रयोग था, एक तो था कि ये स्वदेशी प्रयोग था, जो बाहर की शिक्षा के विरुद्ध ये स्वदेशी प्रयोग था, और दूसरे के समाज की जो विसंगतियाँ थी उनको दूर करने के प्रयास के लिए अच्छे इंसान समाज को दिए जाए, अच्छे मनुष्य दिए जाए। तो वेद कहता है मनुर्भव, मनुर्भव मतलब मनु तो मैं हूँ ही, मनुष्य तो है हूँ, फिर भी मुझे कहा जा रहा है कि मनुष्य बनो। क्या मतलब है कि भाई मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य तब बनोगे
जब आप में आस्तिकता होगी, आप वैदिक परंपराओं को मानेंगे, जितने वैदिक मूल्य हैं उनको धारण करोगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित करोगे, संस्कार आप में होंगे, सेवा होगी, आस्तिकता होगी, सेवा होगी, आस्तिकता होगी, ये गुण जो भर में है ये विद्यालयों के माध्यम से हम करते हैं। और इस दृष्टि से हम दूसरे विद्यालयों से अलग हैं। अब दूसरे विद्यालयों की आपको चेन मिलेगी, लेकिन वो सारे व्यावसायिक हैं, उनका जो ध्येय है, उनका जो मिशन है, वो हमारी तरह से इंसान बनाना नहीं है। वो तो एक लाख दो लाख रुपए लेके आप एक व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं। डीएवी इसीलिए लोगों का विश्वास हमें प्राप्त पहले से रहा है, और देश के हर क्षेत्र में हमारे यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी, उन्होंने देश को संभाला है, चाहे वो कोई दैविक आपदा हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में हमारे बच्चों ने काम किया है। तो यही परंपरा जो है वो बिहार में भी आई, और बिहार में ये बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। मैं यूँ कहूँ कि बिहार की धरती डीएवी की शिक्षा के लिए बहुत उपजाऊ धरती। आगे ऐसा है कि हमारे यहाँ भंज के नेतृत्व में जो मैनेजिंग कमेटी है, अब वो केवल मैनेजिंग कमेटी का मतलब ये नहीं कि किसी की अपॉइंटमेंट कर दी, किसी की वो तरक्की कर दी, अब वो शिक्षा के क्षेत्रों के डिपार्टमेंट, अगर कोर्स बनाना है तो उसके लिए डीएवी सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस, अगर स्पोर्ट्स की बात है तो डीएवी स्पोर्ट्स नाम से पूरा विभाग जो पूरे देश में खेलों का आयोजन कर रहा है, जगह जगह प्रतियोगिताएं होती हैं, नेशनल स्पोर्ट्स उसको देते हैं। और ये अब वो जो गवर्नमेंट की इकाई है एसजीपी, कौन सी है वो, एसजीएफआई, उसका भी अंश है, अब हमारी टीम उसमें भी पार्टिसिपेट करती है। जगह जगह अब प्रोग्राम है कि स्पेशलाइज्ड सेंटर्स बनेंगे, हॉकी का कहीं बन गया, क्रिकेट का कहीं बन गया, स्विमिंग का कहीं बन गया, तो उसको गवर्नमेंट के पैटर्न पे हम उसको डेवलप करें। और हमारे बच्चे जो हैं वो दूसरे संस्थानों से आए हुए, उनमें एक ये बात और होगी जो हम हमारी संस्थाओं में, उनमें आस्था ज़्यादा होगी, आस्थिकता होगी, उनमें प्रयत्न किया जाएगा, और उसके रिजल्ट्स जो हैं उसके परिणाम अच्छे आएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में डीएवी जो है वो अच्छे रूप में रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे शिविर लगा हुआ है बच्चे को लेकर, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए, अभी ये भावना पूरे समाज में व्याप्त है कि वेदों की तरफ लौट चलो। क्यों? क्योंकि संस्कार और संस्कृति की इतनी, लोग कहते हैं कि मोरल डिग्रेडेशन होता जा रहा है, बच्चों में वो भावना नहीं पैदा होता है कि पिता के साथ क्या व्यवहार करें, माँ के साथ क्या व्यवहार करें, पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार करें, शिक्षक के साथ क्या व्यवहार करें। ये तब होता है जब मोरल इथिक्स की समाज में कमी आती है। यह चैत्र निर्माण शिविर हमारे बच्चों को उस चारित्रिक विशेषताओं से ओतप्रोत करता है। इसको करने का यही मकसद है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग बड़ा प्यार से कहते हैं कि स्कूल तो डीएवी स्कूल तो काफ़ी सारा पब्लिक स्कूल है, बट डीएवी को लोग समाज एक दूसरे नज़र से देखते हैं। वो दूसरा नज़र यही है कि हमारे बच्चों में चारित्रिक विशेषताएँ होता है। हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे अगर हमारे साथ हैं, बदले में हम आईएएस आईपीएस आईआईटी बना के देंगे, इसकी हम संकल्प नहीं लेते हैं, लेकिन एक सुसभ्य नागरिक बना के देंगे हम, इसका हम संकल्प लेते हैं। इसीलिए डीएवी हर साल चैत्र निर्माण शिविर कराती है। जैसे कि आपको पता है कि हर साल हम बिहार में 3,000 से 4,000 बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं इस माध्यम से। वो 4,000 बच्चा हमें 40,000 बच्चों के घर में जाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो एक दीप से हज़ारों दीप जलता है, हम एक बच्चे से हज़ारों बच्चों को संस्कारित करते हैं, शिक्षित करते हैं, और संस्कार के दृष्टिकोण, चूँकि संस्कार आ जाएगा, पढ़ाई हमारे लिए सेकेंडरी होता है। एक बच्चा अगर व्यावहारिक बनता है, संस्कारित होता है, संस्कार से युक्त होता है, तो वह अपना काम, अपना कर्तव्य, अपना सारा टाइम पर करता रहेगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है इसकी शिक्षा, सेवा और संस्कार की भावना हर बच्चों में ओतप्रोत करें और डीएवी को आगे बढ़ाएं। सर,
सर जिस तरीके से देखा जा रहा है नया जनरेशन को लेकर सोशल मीडिया को लेकर और कई सारे घर से भी कंप्लेन भी आता होगा कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं गार्जियन के पास। देखिए इसका सबसे बड़ा था ना कि अभी जो कोरोना हुआ था कोरोना में ऑनलाइन क्लासेज में कोई टूल्स था नहीं, सबके घर में लैपटॉप नहीं था तो मोबाइल के साथ बच्चे संपर्क किए। अब क्या होता है टीनेज है उसमें वो डेविएशन बच्चों में अधिक होता है, अब वो मोबाइल का यूज पढ़ाई के लिए करना था, कुछ बच्चे डेविएट कर गए रास्ता भटक के उसमें कुछ और चीज़ देखने लगे जो समाज के इस मुख्यधारा से उसको अलग किया है। फिर यह हमारा शिविर उन बच्चों को मुख्य अंग से जोड़ेगा, संस्कार के दृष्टिकोण से उसे मजबूत करेगा।